हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड होती हैं। कुछ कस्टमर्स सैलरी बेस्ड होते हैं या कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको महीने में ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करने होते, बहुत ज़्यादा 4-5 ट्रांजैक्शन करने होते हैं। और कुछ लोगों का बिज़नेस होता है तो उनको डेली ट्रांजैक्शन करने होते हैं, क्योंकि कभी रॉ मटेरियल परचेस करना है, कभी किसी सप्लायर को पेमेंट करना है, तो उनको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। तो इसलिए बैंक अकाउंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, और जिस कैटेगरी का कस्टमर होता है उसे वैसा ही बैंक अकाउंट रिकमेंड किया जाता है। सो फर्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब होता है चालू खाता, यानी ऐसा अकाउंट जो हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा चालू रहे, यानी जब हम चाहें इससे ट्रांजैक्शन कर पाएँ। जब भी हमको पैसा निकलवाना हो, जब भी हमको पैसा जमा करवाना हो, तो हम आसानी से ये काम कर पाएँ, हमको कोई रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए बैंक की तरफ से। करंट अकाउंट्स आर यूजुअली फॉर बिजनेसमैन एंड डेली ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होते हैं और इसका मेन पर्पस होता है कि हम डेली ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर पाएँ। इट डजेंट सर्व अ पर्पस ऑफ सेविंग योर इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें कोई सेविंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट हमको नहीं मिलता है। तो सेविंग अगर हम करेंगे भी इसमें तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे जितना पैसा इसमें रख दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, लेकिन आपको बैंक कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं देगा। तो इसीलिए ये सेविंग पर्पस के लिए नहीं होता है। द ट्रांजैक्शन फैसिलिटी टू दिस अकाउंट इज सो फ्लेक्सिबल दैट यू कैन मेक इन्यूमरेबल ट्रांजैक्शंस इन अ डे। ट्रांजैक्शन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबल होती है कि आप एक दिन में कई सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हेंस द बैंक डोंट पे एनी इंटरेस्ट ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट, बट इट चार्जेस सर्टेन सर्विस चार्जेस ऑन सच अकाउंट्स। तो इस अकाउंट पर बैंक को चार्ज नहीं, बैंक को इंटरेस्ट नहीं पे करता है, बल्कि आपसे कुछ अमाउंट को चार्ज करता है, क्योंकि बैंक अपनी सर्विस दे रहा है आपको डेली। आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कभी डिपॉजिट कर रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, और बैंक के एम्प्लॉयज़ इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए बैंक इसका चार्ज आपसे वसूलता है। कुछ इसके फीचर्स देखते हैं। एन अकाउंट जनरली ओपन्ड बाय बिजनेस पीपल, तो इसको बिजनेस पीपल ओपन करवाते हैं। मनी कैन बी विदड्रॉन एंड डिपॉजिटेड एनी टाइम, तो इसमें कभी भी हम पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। विदड्रॉल इज़ पॉसिबल ओनली बाय मीन्स ऑफ चेक्स, पैसा हम इसमें सिर्फ चेक से ही निकाल सकते हैं। बैंकर जनरली डज नॉट अलाउ एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट, तो इस अकाउंट पर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। टू बेसिक प्रिविलेजेस विच कस्टमर्स कैन एन्जॉय, तो इस अकाउंट में कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि हमारे अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ हैं, बट मुझे ज़रूरत पड़ गई 20,000 रुपये की इमरजेंसी में, तो बैंक ऐसे टाइम पे क्या करता है, 20,000 रुपये आपको दे देगा। आपको अगर इमरजेंसी है वहाँ पर बताएंगे जाके, तो आपको 20,000 रुपये दे दिए जाएंगे। मतलब जितना अमाउंट मेरे अकाउंट में है उससे ज़्यादा मैं निकाल सकता हूँ, इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और मुझे ज़रूरत पड़ गई 20,000 की, और बैंक मुझे ये अलाउ कर दे कि आप 20,000 निकाल सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अदर फैसिलिटीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ चेक्स, ट्रांसफर्स ऑफ मनी एंड रेंडरिंग एजेंसी एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो अदर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कि हम इसमें चेक्स का यूज़ कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये सब फैसिलिटीज़ हमको इस अकाउंट में दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जैसा नाम से पता लग रहा है, सेविंग्स को इनकरेज करने के लिए बनाया जाता है। इसमें बैंक जितना अमाउंट जमा रहता है एक पर्टिकुलर पीरियड तक, अगर आपका मान लीजिए आपने 10,000 रुपये डाले और आप एक साल तक उन रुपये को पड़ा रहने दीजिए अपने अकाउंट में, तो बैंक उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट पे करती है। सेविंग अकाउंट्स आर द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ सेविंग योर इन्वेस्टमेंट्स एंड गेटिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो इस पे बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट भी पे करता है आपको। मतलब आप जितना अमाउंट इसमें डिपॉजिट करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाद अगर आप जमा रखते हैं अकाउंट में, तो उस अमाउंट का आपको इंटरेस्ट भी उस पे दिया जाएगा। सेविंग अकाउंट प्रोवाइड चेक फैसिलिटी अलॉन्ग विथ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिपॉजिट एंड विदड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम योर अकाउंट। तो आप इसमें
चेक का भी यूज़ कर सकते हैं, एटीएम कार्ड्स इशू करवा सकते हैं, तो ये सब फैसिलिटीज़ इस अकाउंट पे दी जाती हैं। फीचर्स क्या होते हैं इसके, मींट फॉर स्मॉल सेवर्स, ये स्मॉल सेवर्स के लिए होता है, यानी छोटी छोटी बचत अगर हमें करनी है तो हम इस अकाउंट को खोल सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, इसमें विड्रॉल्स पे रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ये नहीं कि हम जितनी बार चाहे पैसा निकाल लें, क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो वो दे किस बात का इंटरेस्ट है कि हम उस बार बार वहाँ से पैसा ना निकलवाएं। मिनिमम बैलेंस, इसमें कुछ मिनिमम बैलेंस होता है जो हमको अकाउंट में रखना ही रखना है, मतलब उस वो भी अगर हमने निकलवा लिया तो हमारा अकाउंट क्लोज भी हो सकता है, वो अमाउंट तो आपको रखना ही रखना है। कुछ बैंक्स में 5,000 होता है, कुछ में 1,000 होता है, और जैसे ICICI और HDFC बैंक्स हैं, इनमें तो 10,000 होता है मिनिमम अमाउंट। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है इस पर। नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इस कैन बी सैंक्शनड दो, तो इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती है, मतलब आपके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 है, आपको 20,000 की ज़रूरत पड़ गई तो आप 20,000 रुपये अकाउंट से नहीं निकलवा सकते, क्योंकि बैंक सेविंग अकाउंट पे ये फैसिलिटी नहीं देता है। बट आप वहाँ मान लीजिए पर्टिकुलर ब्रांच है और वहाँ के मैनेजर अच्छे हैं, आप उनसे बात कर लेते हैं तो अलग बात है, ये आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकता है मिल जाए पर्टिकुलर ब्रांच में, बट ऑफिशियली इसमें कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाती है। ATM कार्ड्स अवेलेबल, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, तो इसमें ATM कार्ड आप इशू करवा सकते हैं, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। चेक्स कलेक्टेड ऑन दिस अकाउंट, आप इस पर चेक भी लिख सकते हैं, यानी चेक के थ्रू भी आप अपना अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है एक फिक्स्ड अमाउंट को जमा करना एंड एक फिक्स पीरियड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे पास 10,00,000 रुपए हैं, या मुझे कहीं से मैंने लॉटरी जीती 10,000 रुपए की, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये खर्च हो, तो और मैं चाहता हूँ कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा मिले, मेरा ये पैसा बढ़े, तो मैं क्या करूँगा, उसकी FD खुलवा लूँगा। FD में क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, यानी 10 साल, 5 साल या 15 साल के लिए उस अमाउंट को मैं जमा कर दूँगा, और उतने टाइम तक वो अमाउंट बैंक के पास जमा रहेगा और हर साल उस पर इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा। तो जब मैं 5 साल 10 साल 15 साल बाद उस अमाउंट को निकालूंगा तो वो अमाउंट तो मुझे मिलेगा ही, साथ में कुछ उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, और इसमें इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई होते हैं। जितना ज़्यादा आप पीरियड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल पे कम होता है, 10 साल पे उससे ज़्यादा होता है, और 15 साल पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। फिक्स डिपॉजिट इज़ अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर अ सम ऑफ मनी गिवन टू अ बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी, वेयर बाय द रिसीविंग एंटिटी पेज इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट। तो जिस ड्यूरेशन के लिए हम अमाउंट को जमा कर रहे हैं उस ड्यूरेशन के हिसाब से हमको इस पर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड फॉर फिक्स डिपॉजिट वेरी अकॉर्डिंग टू अमाउंट, तो आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जितना ज़्यादा आप अमाउंट जमा करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, और जितना कम अमाउंट होगा उतना कम इंटरेस्ट रेट होगा। पीरियड एंड फॉर्म बैंक टू बैंक, तो पीरियड, इसका जो पीरियड है वो बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, हो सकता है कोई बैंक आपको काफ़ी लंबे पीरियड तक की फैसिलिटी दे दे जमा करने की, या कोई बैंक होती है वो 15 साल या 10 साल तक ही आप पैसा उसमें जमा कर सकते हैं, तो ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स, रिपेबल आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, रिपेबल आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है, यानी रीपे कर दिया जाता है, बैंक आपको ये अमाउंट वापस कर देती है, प्लस आपको उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट यानी जो इंटरेस्ट आपको मिला है, आपका जो भी इंटरेस्ट जुड़ा है वो भी आपको पे करती है। इमरजेंसी क्लोजर, इस अकाउंट को इमरजेंसी में क्लोज भी करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,00,000 रुपये जमा किए और मुझे मैंने 10 साल के लिए जमा किए थे, लेकिन 1 साल बाद ही मुझे इमरजेंसी पड़ गई, तो मैं उस अमाउंट को निकाल भी सकता हूँ अकाउंट को क्लोज करवा के। पेनल्टी, अगर मैं स्पेसिफिक ड्यूरेशन से पहले पैसा निकलवाऊँगा, जैसे मैंने 10 साल की ड्यूरेशन रखी और 1 साल बाद ही पैसा निकलवा लिया, तो उस पैसे के लिए मुझे क्या मतलब जल्दी निकलवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, मतलब बैंक कुछ पैसा काट लेगी मेरे पैसे से, तो मुझे नुकसान उठाना पड़ जाएगा इस केस में। इंटरेस्ट पेबल, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मंथली पेमेंट, इसमें हो सकता है कई बैंक में आपको मंथली पेमेंट की भी फैसिलिटी दे दी जाए कि आप मंथली इसमें पे करते रहें FD में।
नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ में नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब मैं अपने अकाउंट का नॉमिनी किसी को रख सकता हूँ, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, किसी को, ताकि इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो वो अमाउंट उस पर्टिकुलर नॉमिनी को पे कर दिया जाए। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार अकर करना। तो रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये होता है जब डिपॉजिट अमाउंट हमको बार बार करना पड़े और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़े। रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं RD, तो हो सकता है मंथली अमाउंट आपको पे करना पड़े। हर मंथ आपको, जैसे मान लीजिए आपने 1000 की RD खुलवाई, तो हर महीने आपको 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा। और इसमें ये भी होता है कि आप कितने टाइम के लिए RD खुलवा रहे हैं। मान लीजिए मैंने मंथली 1000 की RD खुलवाई 3 साल के लिए, तो हर मंथ मैं 1000 रुपये जमा करूँगा 3 साल तक, और 3 साल बाद वो सारा इकट्ठा अमाउंट मुझे वापस मिल जाएगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो मुझे अमाउंट बढ़ के वापस मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट्स ऑल्सो नोन एज RD अकाउंट्स हु विश टू इन्वेस्ट एन एवरेज अमाउंट ऑफ देयर सेविंग ऑन अ मंथली बेसिस, यानी बहुत जो लोग मंथली बेसिस पे अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो RD खुलवा सकते हैं। दीज अकाउंट्स गेन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट अवेलेबल इन योर अकाउंट। तो जितना अमाउंट मैं जमा करूँगा उस पर मुझे क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। दिस अकाउंट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द वर्किंग पब्लिक हु डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट एट वन इंस्टेंस। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल अकाउंट होता है जो एक साथ बहुत सारा पैसा जमा नहीं कर सकते, यानी FD नहीं करा सकते एक साथ बहुत सारे पैसे की, तो वो RD खुलवा सकते हैं। और RD में मिनिमम हम 10 रुपये भी जमा कर सकते हैं, यानी आप 10-10 रुपये करके भी RD में जमा कर सकते हैं, और 100 भी कर सकते हैं, यानी आप जितना छोटा अमाउंट चाहें जमा कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज़ टू डेवलप रेगुलर सेविंग हैबिट्स अमंग द पब्लिक। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम पब्लिक में सेविंग हैबिट को डेवलप करें, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट मिलता है तो थोड़ी लालच आती है लोगों के माइंड में और वो पैसे को जमा करना शुरू करते हैं। इन इंडिया मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इज ₹10 एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इंडिया में जो मिनिमम अमाउंट है RD का वो है 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ से आप अपनी RD खुलवा सकते हैं मिनिमम, उससे कम के आप नहीं खुलवा सकते। अगर आप 5 रुपये ही खुलवाना चाह रहे हैं तो नहीं खुलवा सकते आप। द पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो पीरियड जो डिपॉजिट का है वो मिनिमम 6 मंथ है, यानी आप 6 मंथ तक मंथली जमा कर सकते हैं पैसा, और मैक्सिमम है 10 ईयर्स। तो आप ये ड्यूरेशन अलग अलग रख सकते हैं इसमें। नो विड्रॉल्स आर अलाउड, हाउएवर द बैंक मे अलाउ टू क्लोज द अकाउंट बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। तो इस पर विड्रॉल अलाउ नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें पैसा जितना चाहें निकाल लें। पैसा आपको सिर्फ जमा करना होता है, आप निकाल नहीं सकते उस पर्टिकुलर पीरियड से पहले, बट इन केस आपको कोई इमरजेंसी होती है तो आप अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। द बैंक प्रोवाइड द लोन फैसिलिटी। इस अकाउंट पे आपको लोन फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए आपने 1-1 हज़ार करके 20-25 हज़ार रुपये जमा कर लिए और अब आपको 10 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, तो आप 10 हज़ार का अपने ही पैसे का, यानी आपने जो जमा किया था वो तो एक पर्टिकुलर पीरियड बाद ही मिलेगा आपको ना, तो वो पीरियड पहला होने से पहले मान लीजिए आपको 10 हज़ार की ज़रूरत पड़ गई, तो आप अपने ही पैसे का लोन ले सकते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, या बहुत ही लिटिल अमाउंट में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ कंपैरिजन। तो ये हमारा करंट अकाउंट, ये हमारा सेविंग अकाउंट, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। पर्पस पहले देखते हैं। पर्पस, तो पर्पस क्या होता है करंट अकाउंट का, मैनी ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट का मेन पर्पस क्या होता है कि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर पाएँ एक दिन में या जितना भी चाहें, हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए हमारे ट्रांजैक्शंस पे। सेविंग अकाउंट का मेन पर्पस होता है टू इनकरेज सेविंग, कि सेविंग हैबिट को डेवलप किया जाए। आइडियल फॉर, किसके लिए कौन सा अकाउंट बेहतर है। करंट अकाउंट बिजनेस पर्सन के लिए बेहतर है, और जो सेविंग अकाउंट है ये सैलरीड पर्सन के लिए बेहतर है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहाँ पे हमको मिलती है, करंट अकाउंट में हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, एंड सेविंग अकाउंट में हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है। इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स करंट अकाउंट में 0 होते हैं, नो इंटरेस्ट रेट होते हैं, और सेविंग अकाउंट में हमको 4-6% इंटरेस्ट जो है मिलता है। अलग अलग बैंक्स में ये अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है, बट 4-6 के बीच में ही होता है मैक्सिमम। मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट
करंट अकाउंट का हायर अमाउंट होता है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिनिमम रखना पड़ता है अकाउंट में अपने, और सेविंग अकाउंट में 500 से 1000 के बीच में मिनिमम अमाउंट मुझे अपने अकाउंट में रखना होता है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड डिफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।